हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल रन विद सैफ अहमद और ये है मेरे फाइवर की फोर्थ वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन बनाएंगे अपने गिग के अंदर। गिग के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टाइटल कैसे बनता है, टेक्स्ट कैसे फाइंड होते हैं, ये सब प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि इस गिग जो आप बना रहे हैं, जो कि आप सर्विस सेल कर रहे हैं पूरी वर्ल्ड वाइड, उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन कैसे बनेगी। और उस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपके गिग को टॉप पेज पर रैंक कराएगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के पर्सन है, इस पर्सन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये है कैनवा टेम्पलेट। मैंने इसको चेक किया, यहाँ पर कैनवा टेम्पलेट का इसका कीवर्ड था, ये तो मैं आपको पहले वीडियोज़ बता चुका हूँ कि कैनवा टेम्पलेट अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा सर्च करके आता है तो सबसे पहले आपको इस पहले पेज के ऊपर जो लोग भी दिखते हैं वो है टॉप रैंक पेजेस, टॉप रैंक गिग्स हैं इस फर्स्ट पेज पर। तो और ये देखें, ये पर्सन आपको फर्स्ट पेज पर नज़र आ रही है। ये है, ये कैसे आ गई ये सीखने के लिए मेरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लास्ट में वो टिप है जो कि आपके गिग को टॉप रैंक कराएगी। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन कैसे बनाई जाती है किसी गिग के अंदर। तो ये आपने देखा होगा कि ये गिग्स आ रहे हैं मेरे सामने, और हमने एक गिग जगह एनालाइज किया था इमरा फयाज का, और हम उसी को दोबारा से स्टडी करते हैं। ये भाई मेरा गिग नहीं है, ना ही मेरा कोई ये रिलेटिव है, तो बस एक पर्सन आपके सामने मैंने ओपन करी है तो उसी को हम फॉलो करते जा रहे हैं। गिग के अंदर हमने जो कीवर्ड आइडेंटिफाई किए थे इस गिग के अंदर, जैसे कि ये कीवर्ड था कि कैनवा टेम्पलेट। अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ कैनवा टेम्पलेट, तो देखें यहाँ पर कैनवा टेम्पलेट सर्च करता हूँ तो ये देखें इसका गिग जो है निमरा फयाज का आ गया ये सेकंड फर्स्ट पेज पर ही। तो इसका मतलब है ये जो मेरे कीवर्ड्स थे ये मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिए थे कि भाई कैनवा टेम्पलेट, कैनवा डिज़ाइन, तो जो भी कीवर्ड्स आपने फाइंड कर लिए हैं, अब बात ये आती है कि उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। इसके गिग को ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि इसने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। सबसे पहले जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आपने एक यहाँ पर मैं आपको इसका एक कुछ लेआउट समझा देता हूँ कि आपने किस लेआउट को फॉलो करना है। पहले ग्रीटिंग आपने यहाँ पर लिखनी है, सबसे पहले ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग का मतलब आप समझ गए कि ग्रीटिंग लाइंस आपने लिखनी, ग्रीटिंग मत लिख दिएगा अपनी गिग के अंदर, आपने यहाँ पर ग्रीटिंग लाइंस लिखनी है। देन उसके बाद होती है आपके पास बॉडी एरिया, जिसके अंदर आप क्या लिखते हैं, ये सारी बातें लिखते हैं कि आप जो है ना क्या क्या सर क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किस अपनी इस गिग के अंदर आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, जो ये पूरी बॉडी है इसकी, यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरी बॉडी है, और एंड के अंदर ये आपने फिर जैसे इसने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाई चूज़ मी, अब आप ये ऐड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपने अब आपने ऐड करना होता है एक क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आप वाई चूज़ मी ही ऐड करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी वॉट एवर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके बाहर के लिए आसानी होगा कि वो आपके इस गिग को बहुत आसानी से समझ देंगे। इसने ये एक प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है डिलीवरी फॉर्मेट्स, तो ये एक अच्छा इसने फीचर लिखा हुआ है। आप भी ये फीचर यहाँ पर लिख दें कि भाई डिलीवरी फॉर्मेट्स में कौन कौन से डिलीवरी फॉर्मेट्स यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, यहाँ पर इसने जो है ना JPG, PNG, PDF, PDF प्रिंट, एडिटेबल फाइल इसने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर कुछ टेक्निकल वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एडिटेबल फाइल को जो है वो हम कहते हैं EPS, .EPS फाइल। तो बहुत सारे लोगों को EPS के बारे में नहीं पता होता, तो एडिटेबल फाइल ही बोलते हैं, तो आप EPS लिखें या एडिटेबल फाइल लिख दें। तो ये है आपके भाई फॉर्मेट्स, लेकिन इससे एक नुकसान भी होगा कि किसी और फॉर्मेट में अगर पर्सन को रिक्वायर्ड होगा तो आप अच्छा यहाँ पर कैनवा के अंदर तो ये चीज़ ठीक है कि आप जो है किसी भी इन फॉर्मेट्स के अंदर प्रोवाइड कर लेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर इस तरह के फॉर्मेट्स लिखना कि मैं फोटोशॉप पे काम कर रहा हूँ और मैं इन चार पांच फॉर्मेट में ही आपको प्रोवाइड करूँगा, तो ये चीज़ हो जाएगी गलत। प्रोवाइड करना है प्लीज़ मैसेज में बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ये लाइन आपने ऐड करनी है अपने गिग के अंदर। ये लाइन आपने क्यों ऐड करनी है,
क्योंकि भाई यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने ज़्यादा वर्किंग करवानी है और आपने यहाँ चार्जेस कम लगाए हैं, तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो लो चार्जेस पर ही आपका ऑर्डर प्लेस कर देता है। आपने $5 लगाए हैं अपने रैंक कराने के लिए कि कम पैसों की वजह से रैंक होके अप आ जाएगा मेरा केक, लेकिन ये क्या होता है, $5 की वजह से ऑर्डर प्लेस हो गया ऑटोमेटिकली, भाई आपका केक जो है ना उस पर ऑर्डर किसी ने लगा दी, अब वो आपको नुकसान हो गया। तो इस वजह से आपने उस अपने मैसेज करके कंफर्म कर दे। और दूसरी बात है, ये भी एक अच्छा बेहतर तरीका है कि आप जो है ना उससे बोलेंगे भाई ऑर्डर प्लेस करने से पहले मैसेज करें, ताकि डिटेल्स वगैरह तो आप उससे कम्युनिकेट करके ले लें तमाम डिटेल, प्रोवाइड फाइनल प्रूफ रीड कंटेंट, तो ये भी आपने लिखना लाजमी है। फिर उसके बाद इसने लिखा है रिगार्डिंग निमरा, तो आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि आप जो है ना 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये लाइन एक बेहतर होती है। ऑन फोन और टेक्स्ट के आप टेक्स्ट और चैट के ऊपर आप 24/7 सपोर्ट जो है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो एक जर्नल था, मैंने आपको वो बता दिया कि आपने इसको बनाना किस तरह एक्चुअली। अब ग्रीटिंग्स, अगर आप मैं इसको प्रॉपर तरीके से बनाऊं तो ग्रीटिंग्स को हटा देते हैं, एक जनरल लेआउट उसका समझाया था, आप उस लेआउट को आपने कैसे हैंडल करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन है आपने इस तरह की ग्रीटिंग्स हो गई, आर यू, हेलो, आई एम, आई होप यू आर डूइंग वेल, और उसके बाद ये आपने फिर बॉडी लिख, बॉडी में आपने बॉडी राइटिंग करनी शुरू करी, इसमें आर यू लुकिंग फॉर अ कैनवा डिज़ाइनर और अ कैनवा टेम्पलेट, आई विल डिज़ाइन एनी टेम्पलेट डिज़ाइन फॉर यू, और ये दिस इज़ फॉर, ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर लिख दी। फिर आपने यहाँ पर कुछ सर्विसेज के बारे में लिख दिया, और फिर यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन मैंशन कर दिया। फिर उसके बाद आपने डिलीवरी फॉर्मेट्स लिख दिए कि भाई आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, या मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ कैनवा के अंदर ही है, इसके अलावा मैं आपने इसको यूज़ नहीं करना। फिर उसके बाद आपके पास आएगा आई एम अवेलेबल 24/7 सपोर्ट ऑन फोन और टेक्स्ट, या आपने लिखना आएगा, इससे ये होता है कि कन्वर्जेशन का पता चलता है कि जो आप सेलर हैं वो आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर 24/7 सपोर्ट ऑन फोन, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे बायर वो फ़ोन कॉल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर आपने ये प्लीज़ मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, उसके बाद थैंक यू, या आपने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर राइट करनी है इसमें। अब ये तो हो गई आपके पास एक डिस्क्रिप्शन रेडी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात क्या आएगी ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, कि आपके गिग रैंक कैसे होती है। डिस्क्रिप्शन तो आपने लिख ली, अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं अगर इस गिग को मैं देखता हूँ, यहाँ पर इस गिग को मैंने यहाँ पर देखा, ये कीवर्ड था, इस कीवर्ड की बेस में मैंने ये पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी है। अगर मैं कंट्रोल ऐप दबा के इसको सर्च करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर इसने कैनवा टेम्पलेट का वर्ड 1, 2, 3, 4 दफ़ा यूज़ करा है। उसके बाद अगर मैं चेक करूँ कैनवा इसने कितनी दफ़ा यूज़ करा है, ये देखें कैनवा 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा यूज़ करा है। तो अब आप बात ये समझ जाना चाहिए आपको कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स को आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं पर भी यूज़ करना होता है 2 to 3 times। इससे ये होता है कि फाइवर के समझ जाता है कि भाई आप जो है ना ये सर्विस बेच रहे हैं, और वो आपके गिग को रैंक कराना शुरू कर देता है। तो जो आप बेशक कुछ भी लिखें, लुकिंग फॉर एडिटेबल और ये वॉट एवर एनी थिंग एल्स आप लिखें, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने इसके अंदर क्या यूज़ करना है अपनी डिस्क्रिप्शन में, वो कीवर्ड यूज़ करना है जिसके ऊपर आप अपने टेम्पलेट को रैंक करवाना चाह रहे हैं, या वो जो कीवर्ड जो आपने इस टाइटल में डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वही जो वो कीवर्ड आपके टाइटल में भी मौजूद होना चाहिए और आपके डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। तो उस कीवर्ड के थ्रू पूरी डिस्क्रिप्शन बनेगी, और आप इसमें ज़्यादा, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये कीवर्ड जो है ना 10-15 दफ़ा यूज़ करूँगा ज़्यादा जल्दी रैंक हो जाएगा, तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। सिर्फ 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा से ज़्यादा आप यूज़ कर भी नहीं सकते, क्योंकि फाइवर जो है ना आपको नोटिफाई कर देगा कि आप ये वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, जो कीवर्ड पे आप रैंक करवाना चाह रहे हैं, चाहे वॉट एवर आप ये जो भी लाइन्स लिख रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन कीवर्ड लाजमी सही होना चाहिए और एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जो कि टाइटल में और बाकी जगह पर यूज़ किया गया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, उसके अंदर मैं आने और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम थंबनेल डिज़ाइन रेडी करेंगे कैनवा के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।